और दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे को लेकर एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री से दिल्ली बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में पानी के मुद्दे पर यह चर्चा की गई। तो साफ तौर पर जो स्थिति पानी को लेकर दिल्ली में मची हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी अतिरिक्त देने का आग्रह किया है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि पूरे हिस्से का पानी दिया जा रहा है। हालांकि इस बीच दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनकी अगुवाई में मुलाकात हुई है और संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार रितेश जी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता नहीं, हम आपसे जुड़े हैं, आप प्रवक्ता, शायद आपको ये जानकारी नहीं। माफ कीजिएगा सर जी, गलती से निकल गया। संजीव कौशिक जी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जो पानी की कमी लगातार बनी हुई है, काफी ज्यादा वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं पानी की कमी को लेकर, इस बीच एक बार फिर दिल्ली और हरियाणा के बीच जो पानी का संकट का मुद्दा है वो गहराता नजर आ रहा है, पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। देखिए रितेश जी, अमूमन गर्मियों के मौसम में पानी का जलस्तर यमुना का भी नीचे चला जाता है और सप्लाई भी कम हो जाती है और डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है। अभी वर्तमान में दिल्ली में तकरीबन 13-14 MGD के आसपास में डिमांड है पानी की, लेकिन सप्लाई क्षमता खूब जानते हैं अभी की 1000 के आसपास में ही है दिल्ली में। अभी इस गर्मी में वो भी 1000 से नीचे आके 920 MGD के आसपास में सप्लाई क्षमता हो गई है। मुश्किल ये हो रही है कि कई इलाकों में पानी की कमी हो गई है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। उस परिस्थिति में खास करके यदि हरियाणा की बात की जाए तो वहां से ताजेवाला बांध से भी पानी जब छोड़ा जाता है तो वो बंद कर देने से भी एक नई समस्या पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे सौरभ भारद्वाज साहब ने उनसे गुहार लगाई थी कि आप वहां से कम पानी की सप्लाई छोड़ें और कब करें। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें भी ये है कि दिल्ली के पास पास खुद का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। हम जानते हैं कि यमुना से, गंगा से, ब्यास और भूमिगत पानी इसमें जल स्रोत है और गर्मियों के मौसम में यमुना की स्थिति यह है कि तकरीबन 8 फीट वो नीचे चली गई है। साफ तौर पर संजीव जी, क्योंकि जिस तरह से समस्याएं बनी हुई है उससे नजर आ रहा है कि पानी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग परेशान हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, विजेंद्र नेहरा जी भी जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता। नेहरा जी स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद रितेश जी, धन्यवाद। नेहरा जी, दिल्ली में जो पानी की कमी है वो एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है, पहली दफा नहीं है कि ये मुद्दा सामने आया हो। आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, उनकी अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की है, कहीं ना कहीं संकट जो है वो सामने आ रहा है, यानी बीजेपी भी मुलाकात कर रही है। देखिए रितेश जी, मुझे जहां तक लगता है कि दिल्ली के अंदर जो पानी का संकट है वो अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से पानी की व्यवस्था करनी चाहिए उचित व्यवस्था उसकी नहीं करने के कारण ज्यादा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को, दिल्ली को जितना पानी देना है मुझे लगता है लगभग 1050 क्यूसिक के आसपास वो पानी देना होता है और पर्याप्त मात्रा में जितना पानी देना है हरियाणा प्रदेश को, दिल्ली को, हरियाणा प्रदेश लगातार उस पानी की सप्लाई दिल्ली को कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इस कारण दिल्ली के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दिल्ली को और अधिक पानी चाहिए तो जो हरियाणा प्रदेश की जो पुरानी मांग है कि SYL का पानी पंजाब हरियाणा को दे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिस बारे में डायरेक्शन दे रखी है, अपने आदेश दे रखे हैं पंजाब को, तो आज पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि SYL का पानी हरियाणा प्रदेश को दिलवाएं और हरियाणा प्रदेश से एक्स्ट्रा जब पानी हमारे पास उपलब्ध होगा तो उसमें से दिल्ली को हम अतिरिक्त पानी की देने की व्यवस्था करने के बारे में भी विचार जरूर करेंगे। विजेंद्र जी, ये बातें तो पहले से होती आ रही है कि पहले जो है कि SYL नहर बने उसके बाद ही पानी दिया जाएगा, ये बेहद गंभीर मसला है, राजनीतिक मुद्दा नहीं, क्योंकि जो वीडियो दिल्ली से सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि लोग परेशान हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता मुलाकात कर रहे हैं, यानी समस्या गंभीर है, क्यों ना इसे राजनीति से ऊपर उठकर सुलझाया जाए। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के पास तो खुद पानी की कमी है, अगर हरियाणा प्रदेश के पास पानी की कमी है और वो पंजाब से अपना हक का पानी मांगता है
जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है तो वो तो राजनीति दिखाई देती है केजरीवाल जी और सबको। और दिल्ली में अगर पानी का संकट पैदा होता है तो उसके लिए वो हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो राजनीति का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूं दोनों जगह पानी की जरूरत है, हरियाणा में भी पानी की जरूरत है, दिल्ली में भी पानी की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसका उचित समाधान यही है कि जो हमारा हक बनता है हरियाणा प्रदेश का, SOEL का पानी आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल जी को भगवंत मान जी से कह करके जो हमारे हक का पानी है वो SOEL का पानी हरियाणा को दिलवाना चाहिए। संजीव कौशिक जी के पास में आऊं, लेकिन विजेंद्र जी आपसे एक और सवाल है। देखिए, जो दिल्ली आम आदमी पार्टी है वो हरियाणा पर यह आरोप लगा रही है कि दरअसल पानी नहीं दिया जा रहा। देखिए मैं बताऊं आपको, अरविंद केजरीवाल जी तो पंजाब में जाकर के ये भी कहते हैं कि SOEL के पानी पर पंजाब का अधिकार है, और SOEL जी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो तो चंडीगढ़ पर भी अपना अधिकार बताते हैं, उनकी पार्टी भगवंत मान जी। केजरीवाल जी के कहने से कुछ नहीं होता, हम अतिरिक्त पानी भी देने के बारे में विचार करेंगे, लेकिन मैं फिर वही चीज कहूंगा, हरियाणा प्रदेश के बाद तो खुद पानी की कमी है, हमारे किसानों को पानी चाहिए। हरियाणा प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा हमारा पूरा लगभग सूखा पड़ा है, इतनी व्यवस्था हम लोगों ने की, उसके बावजूद हरियाणा को आज पानी की बहुत कमी है, जब हमारे पास खुद पानी की कमी है तो अतिरिक्त पानी हम कैसे देंगे, बताइए। ठीक है संजीव कौशिक जी, तो आपने साफ तौर पर सुना, वो कह रहे हैं कि दरअसल केजरीवाल सरकार का मैनेजमेंट खराब है, पानी की कमी तो हरियाणा में पहले से बनी हुई है। देखिए हम इसी राजनीति की बात कर रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति से परे मानवीय संवेदना के आधार पर यदि दिल्ली में पानी की कमी है तो जो ताजे वाला बांध से पानी निकाला जाता था जो बंद कर दिया गया है उसे छोड़ दिया जाए, और कम से कम ये ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली को पानी की जरूरत है और आप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि दिल्ली में पानी की कीमत यही होती है, तो उसका अपना कोई खास महत्वपूर्ण जल स्रोत नहीं है जिसकी वजह से हम अपने कमी को पूरा करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि नहीं सर, दो यहां पर छोटी बातें हैं, आप सुनिए। सबसे पहले एक तो ये है कि दिल्ली में मैनेजमेंट खराब है, ये कहना है विजेंद्र जी का, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दरअसल क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पानी का सही उपयोग नहीं करेंगे तो इसका क्या इलाज है। और दूसरा बड़ा सवाल आपसे ये भी है जो विजेंद्र जी भी उठा रहे हैं कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब से पानी की मांग क्यों नहीं करते आप? देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की स्थिति और हरियाणा की स्थिति में अंतर है। अभी दिल्ली में जिस तरह की बात हम कर रहे हैं लगातार, वो जो आरोप लगाते चले आ रहे हैं कि पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है, पानी का दुरुपयोग क्या किया जा रहा है, जो जरूरत की चीजें हैं जरूरत के हिसाब से जो खर्च करने की चीजें हैं उसके बारे में डिमांड यदि ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ये एक आग्रह किया गया है। इस पर यदि राजनीति की बात हो रही है, यदि बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल यदि जाकर वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उन्हें भी इस बात का एहसास है कि पानी की कमी है और वो चाहेंगे तो ये संकट दूर की जा सकती है। लेकिन संजीव कौशिक जी वो ये भी साथ साथ बोल रहे हैं कि हरियाणा में पानी पहले से ही ज्यादा नहीं है, कहां से दें? वही मैं कह रहा हूं कि यदि वर्तमान में यदि एक मानवीय संवेदना के आधार पर संवेदनशील मुद्दे पे आपसे गुहार लगाई गई है और वर्तमान में आप राजनीति करने की बात कर रहे हैं कि नहीं पंजाब से पहले हमें दिलवाइए उसके बाद में दिल्ली को हम पानी देंगे, तो दिल्ली की अपनी एक अलग स्थिति है, कंडीशन है, और दिल्ली की जो समस्याएं हैं कि आप लगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री को कि आप इसमें जा सकते हैं, आप हमें मदद कर सकते हैं, उस नाते गुहार लगाई गई है। और यह बात बिल्कुल ये मानते क्यों नहीं कि जो पानी मिलना चाहिए वो पानी उन्होंने रोक रखा है, जिसकी वजह से ये बात कहने की जरूरत है। जवाब ले लेते हैं कौशिक जी। विजेंद्र जी तो वो तो लगातार आपसे अभी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपने दरअसल पानी रोका हुआ है, यही कारण है कि दिल्ली में पानी का संकट बना है। देखिए जब जब दिल्ली में पानी का संकट होता है तो केजरीवाल जी क्योंकि हमेशा अपनी समस्या को दूसरे के सिर माथे पर लगाने का काम करते हैं, ये हमेशा दिल्ली हरियाणा प्रदेश के ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं पिछली दफा का आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग लगातार डिबेट में जाते थे और ये लोग कहते थे कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, ये लोग हाईकोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि हरियाणा प्रदेश आपको पूरा पानी दे रहा है जितना देना चाहिए, उसके बावजूद आप पानी का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने तो ये भी बोला था दिल्ली के अंदर यमुना को हम साफ करेंगे, वहां से हम पानी लेके आएंगे। आज 8 साल लगभग आपकी सरकार को हो चुके हैं दिल्ली में, आप बताइए कितनी यमुना साफ हुई है, बल्कि पहले से अधिक यमुना गंदी हुई है, उसका जलस्तर घटा है। आपने पानी की व्यवस्था करने के लिए किया क्या है, आपने पानी को बढ़ाने के लिए किया क्या है? और जो बार बार मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा है कि पंजाब को पानी देना चाहिए SOEL का, हरियाणा को, हरियाणा का हक बनता है, नहर को खोद के दीजिए, पानी हमें दीजिए। आप पंजाब से जो SOEL का पानी है मानवीय आधार पर वो तो हमें देते नहीं है, और दिल्ली मानवीय आधार पर चाहता है। हम तो कब से ये चीज कह रहे हैं, हर साल 100 करोड़ रुपए बजट में आवंटन करती है हरियाणा सरकार कि SOEL नहर को हम लोग बनाएंगे, उसका पानी लेके आएंगे। हमारे किसान प्यासे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता प्यासी है, अपनी जनता के लिए पानी की व्यवस्था हम पता नहीं किस तरह से व्यवस्था जुटा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मेरा फिर वही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के माध्यम से
SYL का पानी हरियाणा प्रदेश को दिलवाना चाहिए, उसके बाद अतिरिक्त पानी अगर हम चाहेंगे विचार करेंगे उसको देंगे, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए और वहां जाके पता करवाइए कि कितना पानी हम दे रहे हैं। अगर आपको समस्या है और उसका आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत है तो आप कोर्ट में जाके रखिए अपनी बात को। कोर्ट तो बार बार आपको फटकारने का काम करता है कि आप खुद तो मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हैं, आप दोषारोपण करते हैं भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा के ऊपर। ये वही लोग हैं जो हरियाणा में राजनीति करना चाहते हैं लेकिन हर विषय के लिए कभी दिल्ली में भारत सरकार को दोषी ठहरा देते हैं, कभी हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, आज तक कौन सा ऐसा विषय है जिस व्यवस्था के लिए अगर कहीं कमी हुई है, त्रुटि हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल ने सामने आकर ये ली हो कि हाँ मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। ये गोल को शिफ्ट करने वाले लोग हैं। विजेंद्र जी, अन्य मुद्दों पर भी परेशानी आई हो, ये दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का काम करते हैं, जवाब ले लेते हैं। अब संजीव कौशिक जी, देखिए इस सवाल पर आप घिरेंगे, चाहे कितना भी बचने की आप कोशिश क्यों ना कर लें, क्योंकि सरकार आप दिल्ली में चला रहे हैं। जिस तरह से बिजेंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना सफाई का मुद्दा आपने उठाया लेकिन यमुना और गंदी होगी बिजेंद्र नेहरा जी के अनुसार, दूसरा जो बड़ा सवाल वो लगातार उठा रहे हैं कि मैनेजमेंट आपका फेल है, जो बड़ा सवाल इसके अलावा उठाया जा रहा है वो पंजाब से सकारात्मक पहल आपकी नहीं दिख रही कि पानी आप वहां से मांग रहे हो। दोनों बातें नहीं चली, यदि आप साथ में हैं तो सपोर्ट कीजिए, जो बातें कही जा रही हैं उसमें आप खुद भी कहिए कि नहीं हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम मदद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं पंजाब से हमारे रुके हुए पानी को आप करवाइए वहां से, उसके बाद में हम आप अतिरिक्त होने के बाद में आप मदद करेंगे, तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हरियाणा से गुहार करने, ये गुहार करने की भी बात जो लोग गए हैं यहाँ से करने गए हैं उसमें भी राजनीति अब दिखाई दे रही है। उनके बातों से तो ऐसा ही लगता है कि केवल केवल जनता को दिखाना चाहते हैं और ये बात चाहते हैं कि वहां से पानी नहीं छोड़ी जाए। सवाल ये है कि यदि आप दिल्ली को मदद करना चाहते हैं तो आप वर्तमान में जो परिस्थितियां उसमें कुछ मदद करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में बिजेंद्र नेहरा जी किस तरह से मदद कर सकते हैं आप, क्योंकि देखिए दिल्ली बीजेपी भी मुलाकात कर रही है, इसका अर्थ और मतलब साफ यही आ रहा है कि दिल्ली के लोग परेशान है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बात सारी सही है कि पंजाब से पानी दिलवाया जाए उसके बाद आप फैसला करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को कैसे पाटा जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि अपने लोगों को प्यासा रख करके अगर हम अतिरिक्त पानी किसी को देते हैं तो ये अपने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार होगा। हरियाणा प्रदेश को जितना पानी दिल्ली को देना चाहिए उचित मात्रा में हम लोग पानी दे रहे हैं और कतई हम ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी जनता को प्यासा रख के हम दूसरे राज्यों को पानी दें। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है पंजाब के अंदर, उनको वहां से चाहिए SYL का पानी दिलवाएं और उसके बाद अतिरिक्त पानी देने पे भी हरियाणा विचार कर सकता है, लेकिन अगर इनको लगता है कि अब कम पानी मिल रहा है तो इनको जाना चाहिए कोर्ट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। बिजेंद्र नेहरा जी, नहीं नेहरा जी, देखिए आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुलाकात की, एक पत्र भी सामने आया है, साफ तौर पर आदेश गुप्ता ये लिख रहे हैं कि जब जब मुश्किल आई है तो हरियाणा ने इंसानियत का बेहतरीन उदाहरण दिया है और पानी उपलब्ध कराया है, तो इस बार ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये सवाल आपसे है। देखिए मैं, मुझे लगता है कि अगर मुलाकात हुई है इस तरह से तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस बारे में विचार करेंगे और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले भी जब दिल्ली के अंदर जल संकट आया है तो हरियाणा प्रदेश ने आगे बढ़कर के उसकी मदद की है, हमेशा मदद की है, और ऐसा कोई विचार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि वो संवेदना के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी फैसला कर चुके हैं और अभी भी अगर उनको लगता है कि ऐसा कोई विषय है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इसको इसके सारे विषय को वो स्वयं देख रहे हैं, SYL के विषय को भी वो स्वयं देख रहे हैं, तो वो इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे फिर लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी की पहले से कमी है। आप खुद सोचिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में भी हमारे भाई भाई बहन है, सब लोग हमारे जैसे लोग वहां पर रहते हैं और दिल्ली का हरियाणा का आपस में बड़ा अच्छा संबंध है, हम लोगों को सबका आना जाना लगातार, रोजगार का विषय हो चाहे चिकित्सा का विषय हो शिक्षा का विषय हो, तो हमें ऐसा कोई उनसे दिक्कत परेशानी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के कोई परेशान करना चाहते दिल्ली को, लेकिन खुद हमारे पास जब पानी की कमी है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके घर में खुद अगर पानी की कमी हो और पड़ोसी ये कहे कि मुझे अतिरिक्त पानी आप दीजिए तो वो आपके लिए संकट पैदा हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि आपको 1050 क्यूसिक के आसपास जो पानी निर्धारित किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसके अनुसार हम लोग पानी दे रहे हैं। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों बातें नहीं चलेंगी। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपके घर में पानी का संकट है, आप कर नहीं सकते हैं, दूसरी तरफ आपके लोग गया है वहां पर गुहार लगाने की, इससे पहले आपने मदद की है, इस बार भी मदद कीजिए, तो जाहिर सी बातें कहीं ना कहीं गुंजाइश है जिसके आधार पर आपने पहले भी मदद की है और मदद की ही गुहार की गई है। कहां आपसे मदद की बात की जा रही है और आप कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, हमें भी पता है और आपको भी पता है कि अगले 4-5 दिनों में या 1 सप्ताह के अंदर में जब बारिश होने लगेगी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी अपने आप, तो अभी वर्तमान में जो संकट बना हुआ है उस संकट को कैसे मिलकर हम एक प्रदेश के नाते आपसे गुजारिश करते हैं कि उसके समस्याओं के समाधान के लिए यदि कुछ कर सकते हैं, यदि कुछ
देखिए ये जो इनका रवैया है ना सुमित जी, केवल केवल हरियाणा की चिंता आप सुमित जी, इनका इनका जो दिल्ली में दिल्ली सरकार से आपकी परेशानी हम समझ रहे हैं, जिस तरह से वैमनस्यता की भाव आपके मन के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है सरकार किसी पार्टी की हो, लेकिन जनता को आपकी भी है, जनता हमारी भी है, जनता को ध्यान में रखते हुए कम से कम ये फैसले यदि लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है, बस हम तो इतना ही कहेंगे। देखिए सुमित जी, इनका जिस तरह से अभी इन्होंने बोला ना कि दो चार दिन के अंदर बारिश शुरू हो जाएगी, उसके बाद समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा, मुझे लगता है इनका जो ये ढीला ढाला रवैया है ना, यही दिल्ली में जल संकट के लिए जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल जी जो वाहवाही होती है ना, अरविंद केजरीवाल जी, अरे सुनिए भैया, अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई वाहवाही लेनी होती है किसी चीज की, झूठी वाहवाही लेने के लिए, तो केजरीवाल जी सामने आके खड़े हो जाते हैं कि ये काम मैंने किया। जब भी कोई संकट आता है तो वो भाग खड़े होते हैं, इतने डरपोक लोग हैं अरविंद केजरीवाल जी और ये आम आदमी पार्टी वाले। जब भी कोई संकट आता है तो वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, वो बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं, कभी भारत सरकार के ऊपर डाल देते हैं, कभी हरियाणा सरकार के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है संजीव कौशिक जी, देखिए अब आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप स्वीकार करते हैं कि आपका कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट आपका खराब रहा है पानी को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए जो आदेश गुप्ता ने पत्र दिया है उसमें 2015 के आंकड़े दे रहे हैं, 2016 के आंकड़े दे रहे हैं, 2019-2022 तक के वो आंकड़े आपको दे रहे हैं, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी दिल्ली सरकार की रही है इस पूरी व्यवस्था में? लगातार कोशिश की जा रही है और लगातार प्रयास जारी है। आपने देखा है कि दिल्ली सरकार ने पानी एक भी प्रयास बताइए क्या किया आपने, एक भी प्रयास बताइए दिल्ली के पानी की कमी को दूर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि यमुना का जल स्रोत रूप से चला गया गर्मी के मौसम में तो क्या किया जाए, यदि जल स्रोत जमीन का भूमिगत जल स्रोत का जो अवसर है वो नीचे चला गया तो उसमें क्या किया जाए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि वर्तमान में, और ये कहना कोई बहुत ही प्रैक्टिकल बात, राजनीति करनी नहीं आती है आम आदमी पार्टी को, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि आने वाले दो चार पांच सात दिन के अंदर में जब मॉनसून का आगमन हो जाएगा ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी। वर्तमान में हम आपसे कह रहे हैं कि आप यदि कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, और आप हमें कोर्ट कचहरी की बात समझाने लग रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, वहां जाइए, यहाँ जाइए। नहीं संजीव कौशिक जी, देखिए पूर्व में आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता गए हैं इसीलिए वो इस बात को उठा रहे हैं। संजीव कौशिक जी आपसे एक और मैं राय आपकी बात जानना चाहता हूं। देखिए दिल्ली बीजेपी ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से, बिजन नेहरा जी कह रहे हैं कि मानवीय आधार पर मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अभी क्या लग रहा है आपको कि आखिर क्यों आपकी मदद नहीं की जा रही? संजीव कौशिक जी आपसे सवाल है। विशुद्ध रूप से राजनीति दिल्ली के प्रति, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर एक क्षेत्र में काम करती चली आई है और भारतीय जनता पार्टी हर एक मोर्चे पर विफल होती चली आई है, भारतीय जनता पार्टी के हर इन कमियों को का पोल खोलती नजर आती है आम आदमी पार्टी। जाहिर सी बात है कि एक भाव तो रहेगा ही रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पार्टी से ऊपर उठिए, राजनीति से ऊपर उठिए, आम जनता को ध्यान में रखते हुए। आप ठीक है आप दिल्ली में सफल नहीं हो पाते हैं, यहाँ की जनता आपको वोट नहीं देती है, लेकिन वोट नहीं देती है इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता से वैमनस्यता का भाव रखें। लेकिन सर संजीव कौशिक जी, जब यही बात आप इतनी गंभीरता से इतनी और आप पेश कर रहे हैं हरियाणा के लिए, यही आपकी पहल पंजाब को लेकर लेकिन नजर नहीं आती है? ये बड़ा सवाल विजेंद्र जी लगातार उठा रहे हैं आपसे। यदि इस तरह की हाल तो वहां मची हो हरियाणा में, तो निश्चित तौर पर फिर बात को आगे बढ़ाया जाए और इसकी चर्चा की जाए। यदि हाल तो वहां मची हो जिस तरह की स्थिति दिल्ली में है, तो दिल्ली की स्थिति, हरियाणा की स्थिति और पंजाब की, तीनों की स्थिति अलग अलग है, तीनों की भौगोलिक स्थितियां अलग है, तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ ये एक गुहार है, गुहार यदि आप मानते हैं तो भी अच्छा, नहीं तो दिल्ली सरकार अपनी सही जितना प्रयास कर सकती है वो कर रही है लोगों की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन संजीव कौशिक जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये दिल्ली सरकार का फेलियर रहा है मैनेजमेंट नहीं कर पाना? क्या कर पाएगी दिल्ली सरकार, जितना कर रही है आप लगातार कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार। मैंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास कुछ जल स्रोत कमी है, बहुत कमी है, दो चार मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि कहां कहां से वो जल स्रोत है जिसकी वजह से यमुना है, गंगा है, ब्यास है और भूमिगत पानी है, इसके अलावा दूसरा कोई अब जल स्रोत है नहीं दिल्ली के पास, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है बाहरी आधार पे। तो मैं फिर दोबारा दोहरा हूँ, गुजारिश है हमारी कोशिश है कि कम से कम मानवीय आधार पे। ठीक है विजय नेहरा जी, वो कह रहे हैं कि मानवीय आधार पर हमारी ये कोशिश है, हमारा ये आग्रह है कि पानी मुहैया कराया जाए, अतिरिक्त पानी मुहैया कराया जाए। सुमित जी मानवीय आधार पे, विजेंद्र जी, विजेंद्र जी रितेश नाम है मेरा। हाँ रितेश जी हमारा भी हरियाणा सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल से ये निवेदन है
कि जो हमारा धक्का पानी बनता है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह चुका है, जिसके लिए हरियाणा सरकार 100 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट करती है हर साल, ऐसे SYL नहर का निर्माण अरविंद केजरीवाल जी को करवाना चाहिए। पंजाब से हमारे हक्का पानी हरियाणा प्रदेश को उन्हें दिलवाना चाहिए, इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए। उसके बाद में जैसे अधिकार वो अपना समझ रहे हैं वैसा अधिकार हमारा भी है, हरियाणा प्रदेश की भी जनता है, हम लोग खुद, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता प्यासी है, हमारे किसान प्यासे हैं, हमारी खेती ठीक से नहीं हो पा रही है, और हरियाणा प्रदेश को पंजाब के से SYL का पानी केजरीवाल जी को दिलवाना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन ये है केजरीवाल जी से कि आपने यमुना सफाई की बात की थी कि मैं 1, 2, 3, 4 चुटकी बजा बजा के एक साल के अंदर यमुना की पूरी सफाई कर दूंगा। आज भी यमुना पहले से ज्यादा गंदी हुई है, उसका जलस्तर कम हुआ है, वो आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, विजेंद्र जी एक छोटा सा जवाब और ले लेते हैं कौशिक जी से, फिर बात को विराम देंगे। जी कौशिक जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, राजनीति से परे हटते हुए वर्तमान की परिस्थितियां गंभीर है, पानी चाहिए, जल ही जीवन है, इसको ध्यान में रखते हुए एक गुजारिश है। मुझे लगता है कि ये अभी जो लगातार हम जो हमारी बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम आपको पानी नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की जनता से बेमनस्ता मत पालिए, जनता आपकी भी है, जनता हमारी भी है, सरकारें आनी जानी है, कल आप होंगे पक्के कोई और होगा, तो जनता से इस तरह से दुराग्रह मत पालिए। कम से कम जनता को ध्यान में रखते हुए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा दिल्ली सरकार अपने ठीक है जनता मौजूदा परिस्थितियां टफ है, यही बात निकलकर सामने आई संजीव कौशिक जी की ओर से। और विजय नेहरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से जुड़ने के लिए और ये अहम चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इन तमाम बातों के बीच जो पिस रहा है वो है दिल्ली की जनता, जो प्यासी है, जो परेशान है पानी को लेकर। तो पानी को दरअसल अतिरिक्त पानी की मांग मानवीय आधार पर दिल्ली सरकार ने की है। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस पूरी समस्या का समाधान होता है।